केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। 30 दिसंबर को नगर निगम में हुए संग्राम में अन्य राजनीतिक दलों के बाद अब मुस्लिमवादी ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कूद गई है। पार्टी के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी व लोकसभा प्रभारी रहे मोहम्मद अनस ने आज मीडिया के सामने आकर कहा कि भाजपा इस विवाद को हिंदू मुस्लिम बनाने पर तुली हुई है। यदि AIMIM पार्षद फजल करीम, आसिफ सैफी व मुस्लिम लीग के पार्षद रिजवान अंसारी पर भाजपा के दबाव में रिपोर्ट दर्ज की गई तो वे 24 में से 18 घंटे रोजा रखने वाले लोग हैं, DM व SSP ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। ओवैसी की पार्टी के मैदान में कूदते ही यह मामला हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर आकर केंद्रित हो गया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा केवल ओवैसी की ही पार्टी से डरती है और इसीलिए उनके पार्षदों को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि मेरठ नगर निगम में AIMIM के 11 पार्षद हैं। शुक्रवार को मीडिया से वार्ता करते हुए पार्टी के पदाधिकारियों ने यह कहा। नहीं, गुस्से की बात नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जो वहां पर हुआ है वो गलत था और बीजेपी बहुत अहंकार में है और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो मुद्दा है किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट हो। हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है, ये नैतिकता की बात है। देखिए, नैतिकता क्या है, बीजेपी को चाहिए कि जो ये फोटो है, ये फोटो आप लोग देखें, मैं मीडिया कर्मियों को ये फोटो दिखाना चाहता हूं। ये जो फोटो है, हमारे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर साहब और हमारे MLC धर्मेंद्र भारद्वाज साहब, उनकी ये फोटो है। पहले इसको मीडिया कर्मी देखे बहुत अच्छी तरीके से, कौन क्या कर रहा है, कहां पर कौन मारपीट कर रहा है। अगर बीजेपी के अंदर नैतिकता बची है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर इन पर कार्रवाई करें, इनको निष्कासित करें और ईमानदारी से आकर ये स्वीकार करें कि हाँ, हमारे दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी। इसका अंजाम कुछ भी हो परवाह नहीं है, ये नैतिकता की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल हम उसमें विपक्ष के रूप में बिल्कुल साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। 10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, देखिए बीजेपी के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, बीजेपी का ये इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा से विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम किया। और नगर निगम में, मेरठ छोड़िए, कई शहरों में ऐसा हो रहा है कि जहां पर विपक्ष के पार्षद पीटे जा रहे हैं, तो भाई ये तो एक मुत्तहिद होकर संगठित तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है और हम उस लड़ाई में साथ हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट करना चाह रही है। वो बार बार मुस्लिम पार्षद का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष। अगर हमारे पार्षदों पर मुकदमा होता है तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो बिल्कुल, अगर हमारे पार्षदों ने गलत किया है तो प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करे। लेकिन अगर सत्ता के दबाव में कार्रवाई होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे भाई। हम 24 घंटे में 16-17 घंटा रोजा रखने वाले लोग हैं, हम एक महीने के लिए भी DM ऑफिस पर बैठ सकते हैं, कप्तान के ऑफिस पर बैठ सकते हैं। हम ये ऐलान कर रहे हैं, अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ नाजायज तरीके से सत्ता के दबाव में अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम कप्तान और DM साहब के कार्यालयों पर भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। असल में बीजेपी के लोग अपनी जो उनकी खीज है, जो उनकी खिंता है, उसको निकाल रहे हैं। वो सब जानते हैं हुआ क्या है, वो सब जानते हैं। अगर दलित पार्षदों को मारा गया, एक मूवमेंट उनके खिलाफ विपक्ष बना रहा है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसको दबाकर और हम एक मैसेज दें कि ये दलित वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये दलित वर्सेस बीजेपी ना होकर ये बीजेपी वर्सेस MIM है, बीजेपी वर्सेस MIM प्लस बीजेपी वर्सेस मुस्लिम पार्षद। उनकी कोशिश ये है और उस कोशिश में बीजेपी को कामयाब ना होने देने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो नैतिकता की और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बीजेपी से सीधा सीधा कहना यह है कि अगर हमारे पार्षदों ने वहां पर किसी महिला के साथ अभद्रता की, किसी महिला को जाति सूचक शब्द बोले हैं, तो जो सदन की रिकॉर्डिंग होती है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हम ये मांग करते हैं कि बीजेपी उसको मीडिया कर्मियों को दे, उसको सार्वजनिक करे, उसको प्रशासन को दे। अगर उसमें हमारे पार्षद कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो हम यकीनन उन अपनी बहनों के साथ खड़े हैं जो ये आरोप लगा रही हैं कि हमें जाति सूचक शब्द कहे गए और हमें अभद्रता हमारे साथ की गई। मैंने कहा ना कि बीजेपी ये जो चाहती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहती है, उसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और रही बात तमाम विपक्षी पार्टियों की, तो यकीनन हमें उम्मीद है
कि देखिए जिस दिन ये घटना हुई है कि मेरा आप मीडिया में मेरा बयान मौजूद है, मैं थाने पर खड़ा होकर बयान दिया कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं, जी बिल्कुल मैं वहां मौजूद था और मैंने ये कहा कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं, नैतिकता के आधार पर हम उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आज अगर, और मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, हमें ये अंदाजा नहीं था कि बीजेपी ये सब कुछ हमारी तरफ मोड़ देगी, हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन आज अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी के खिलाफ बीजेपी इस तरह से कोई षड्यंत्र रचती है तो हमें भी उम्मीद है नैतिकता के आधार पर वो तमाम दल हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।